दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लड़का पैदा करने के कुछ साइंटिफिक घरेलू उपायों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत ही नहीं विश्व के लगभग हर समाज को हम पुरुष प्रधान कह सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सभी माता पिता के मन में पुत्र प्राप्ति की चाह रहती है। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि लड़कियां शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, जबकि बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। इसके लिए लोग विभिन्न प्रकार के लड़का पैदा करने के घरेलू उपायों के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं माँ के गर्भ में लड़का या लड़की बनने की प्रक्रिया के बारे में। पुरुष के वीर्य में दो तरह के शुक्राणु होते हैं। ये दोनों तरह के शुक्राणु ही निर्धारित करते हैं कि गर्भ में लड़का बनेगा या लड़की। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है, तो चलिए समझते हैं। शुक्राणु दो टाइप के होते हैं, जिन्हें साइंस की भाषा में क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुष में ये दोनों तरह के एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि स्त्री के अंडाशय में केवल दो एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। जबकि संभोग के बाद पुरुष के वीर्य का वाई क्रोमोसोम महिला के अंडे से मिलता है, तब लड़का पैदा होता है। और यदि गर्भाधान के समय स्त्री के एक्स क्रोमोसोम्स पुरुष के एक्स क्रोमोसोम से मिल जाए तो लड़की का जन्म होता है। इस सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य से यह साबित होता है कि लड़की या लड़के के जन्म के लिए पुरुष ही जिम्मेदार होता है। किसी स्त्री को लड़के के लिए जिम्मेदार मानकर दोषी ठहराना सर्वथा अनुचित है। बात करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधारण यानी कंसीव करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों पीरियड की सही गिनती करें। मासिक धर्म यानी पीरियड शुरू होने वाले दिन को पहला दिन गिनना चाहिए। अगर आप लड़का प्राप्त करना चाहते हैं तो मासिक धर्म यानी पीरियड शुरू होने वाले दिन से गिनती शुरू कर चौथी, छठवीं, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं रात को संभोग करना चाहिए, जबकि लड़की प्राप्ति के लिए पांचवीं, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं तथा पंद्रहवीं रात को संभोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपका मासिक धर्म 17 मई को रात 9 बजे शुरू हुआ है तो 18 मई को रात 9 बजे आपके मासिक धर्म का एक दिन पूरा होगा। ध्यान रखें आप 18 मई को दूसरा दिन ना गिनें। पीरियड शुरू होने के 24 घंटे बाद ही दूसरा दिन गिनें। अगर आपको बेटा चाहिए तो जब तक गर्भ ठहर नहीं जाता तब तक पांचवीं, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं तथा पंद्रहवीं रात को सेक्स नहीं करें। उसी तरह अगर आपको बेटी चाहिए तो चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं रात को गर्भधारण होने से पहले सेक्स ना करें। आपकी गिनती में एक भी घंटे की गलती नहीं होनी चाहिए। गलत गिनती आपको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होने देगी। दोस्तों अब हम जानते हैं लड़का पैदा करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री के साथ संभोग करने से 15 से 30 मिनट पहले 2 या 3 कप चाय या तेज कॉफ़ी पीनी चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि लड़का पैदा करने के लिए जरूरी वाई शुक्राणुओं की गति तेज हो सके और उनके जिंदा रहने की शक्ति भी बनी रहे। इसी तरह लड़का पैदा करने के लिए स्त्री को भी संभोग करने से पहले कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। अगर महिला ना ले पाए तो पुरुष को तो कॉफ़ी ज़रूर पीनी चाहिए। संभोग करने के बाद स्त्री को ठंडा पानी पीना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी पोजीशन में संभोग करना चाहिए। लड़के की प्राप्ति के लिए पुरुष को अपने लिंग को पत्नी के पीछे से योनि में प्रवेश कराना चाहिए। इससे शुक्राणु सीधे गर्भाशय के द्वार पर पहुंच जाते हैं। महिला के गर्भाशय का मार्ग योनि की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है।
योनि मार्ग में मौजूद अम्लीय वातावरण के कारण ही पुरुष के वायु शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। लड़का पैदा करने के लिए हमें बार बार संभोग करना चाहिए। लड़का पैदा करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को बताए गए दिनों के अनुसार संभोग करना चाहिए, यानी कि एक रात में कम से कम 2 या 3 बार तो इस क्रिया को करना ही चाहिए। ऐसा करने पर शुक्राणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है और वायु शुक्राणुओं को लाभ मिलता है, जिससे पुरुष का वायु और महिला का एक्स शुक्राणु मिलकर पुत्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों, लड़का पैदा करने के लिए घरेलू उपायों में काम उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि पति और पत्नी दोनों संतान के रूप में पुत्र पैदा करना चाहते हैं तो लड़का पैदा करने के लिए संभोग क्रिया करते समय पुरुष के संतुष्ट होने से पहले पत्नी को उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंचना जरूरी है। ऐसा अगर संभोग करते समय हर बार हो तो यह लड़का पैदा होने की संभावना को बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आपको लड़के की चाह है तो तनाव मुक्त रहना जरूरी है। पति और पत्नी को अगर लड़के की चाहत है तो उन दोनों को संभोग करते समय तनाव मुक्त रहना चाहिए और अपना सारा ध्यान संभोग क्रिया पर लगाना चाहिए, ना कि बच्चे के बारे में सोचने में, क्योंकि यह पल आपके लिए भी खास होता है जिसका पूरा आनंद आपको लेना चाहिए। दोस्तों, लड़का और लड़की का गर्भ में बनना एक संयोग मात्र है। जो उपाय मैंने इस वीडियो में बताए हैं उससे इस संयोग को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। नमस्कार।